सो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है ड्रॉपिंग पॉप के एक और न्यू एपिसोड में। भाई आज हम बात करने वाले हैं न्यू सीज मशीन, न्यू सुपर ट्रूप के बारे में, प्लस भाई तीन न्यू मैजिक आइटम्स आने वाले। भाई बहुत टाइम हो चुका है यार नया मैजिक आइटम, मतलब मेरे को याद भी नहीं है कब लास्ट बार मैजिक आइटम्स आई थी। तुम लोग अगर याद है ना कि पिछली बार कौन सी मैजिक आइटम आई थी, लास्ट टाइम जो आई थी उसका नाम नीचे, और या फिर डेट याद भी ना हुई, ईयर अगर याद है तो नीचे मेंशन करके जरूर बताना कमेंट में। देखते हैं भाई किनको याद है, मुझे तो याद नहीं है भाई लास्ट मैजिक आइटम कब आया था। तो भाई हम बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में, बट उससे पहले चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला बेल आइकन लगा देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके इतना शेयर करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। सो भाई सबसे पहला चीज़ जो है ना वो भाई न्यू सुपर ट्रूप। भाई लास्ट बार हमें सुपर ट्रूप क्या मिली थी सबको पता ही होगा यार, लिस्ट में नीचे जाओ दिख जाएगा। ओके उसके बाद लाइक लगभग मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो चुका है जब हमें न्यू सुपर ट्रूप देखने मिला। पहले ना ऐसा सीन था कि 3-4 महीने में एक सुपर ट्रूप तो मिलती थी भाई, मेरे हिसाब से मिलती थी हाँ। बट जब मैंने एक साल क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं खेला उसके बाद मुझे उसकी ड्यूरेशन याद नहीं है कि भाई किस इंटरवल में आई थी। बट जब से मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस खोला, मेरे ख्याल से मैंने जून में स्टार्ट किया था ना, जून जुलाई अगस्त, या ऑब्वियसली जून में स्टार्ट किया था क्लैश ऑफ क्लैंस वापस। फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, तब से यार मैंने देखा कि एक भी सुपर ट्रूप्स आई नहीं है। तो मान लो 4-5 महीने तो होने ही वाला है भाई, फिर भी सुपर ट्रूप्स नहीं आई। बट यहाँ पे एक न्यू सुपर ट्रूप की हाइप चल रही है, दो न्यू सुपर ट्रूप की, माइनर प्लस हॉग राइडर। तो भाई माइनर का तो मैंने एक बार वीडियो में बात की थी, एक सुपर माइनर के बारे में, सुपर हॉग के बारे में। ये देखो इमेज यार, ये गोल्डन, मतलब गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन शूज, गोल्डन आर्म्स, मतलब इवन उसका जो हॉक थॉर का जो हथौड़ा होता है ना वो भी गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडर की गई है साइड में एंड एवरीवेयर। और इवन जो उसका पिग है ना, उसकी जो हॉर्न है वो भी यार गोल्डन कलर की हॉर्न है, एंड प्लस सुपर जो सुपर ट्रूप्स की लोगो होती है ना वो पाँव में दी गई है, आई मीन टीथ और बहुत सारी चीज़ें सुपर हॉक्स की है। बट इसकी एबिलिटी क्या होगी तुम लोग सोच रहे होगे, तो मैं जो बताने वाला हूँ तुम लोगों को होश उड़ा देगा उसे। ओके तो भाई ये सुपर ट्रूप अगर आ गई ना तो मज़े आएगी। जैसे हम अगर हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं ना, माइनर्स प्लस हॉक की जो कम्बो होती है उसमें अगर सुपर माइनर्स भी आ गई तो मज़े आएगी। बट भाई अगर सुपर हॉक आए तो 2 OP होने वाला है, क्योंकि सुपर हॉक में एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है डबल बॉम्ब। अगर मिल जाती तो भाई चटनी बन जाती है, बट मैक्स आउट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी सह लेते हैं। तो भाई इसकी क्या होगी पावर बता रहा हूँ, मतलब मेरे गेसिंग के हिसाब से अभी तक पावर डिसाइड नहीं हुई है, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोला, बट मेरे को जो पर्सनली अच्छा लगा वो है कि सुपर ट्रूप की ये पावर होना चाहिए जैसे वो जा रही है ना डिफेंसेस की तरफ से, वो वॉल्स तोड़ते हुए जाए। ओके मतलब वॉल्स तोड़ते हुए जाए, जिससे क्या होगा भाई हमारे जो बाकी ट्रूप्स है ना उसके लिए रास्ता बनेगा और वो भी जा पाए इसके पीछे। बट इसके एक डिसएडवांटेज है कि इसमें सीज मशीन की जो डिप्लॉयमेंट होती है वो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ये काफ़ी अनोइंग होगा एंड आई थिंक ये गेम को काफ़ी, मतलब अटैक का लिए काफ़ी बफिंग अटैक है। ओके अटैक पावरफुल होगी जिससे हमारा जो बेस की जो बोलते हैं ना, मतलब रह नहीं पाएगा, गेम को इनबैलेंस कर देगा। तो आई डोंट थिंक से ये वॉल्स तोड़ने वाली हॉग आने वाली है। सेकेंड ये था कि जो हमारा डिफेंसेस है जो हिट करती है हॉक को, वो पहले पीक को हिट करेगी, जो पीक है नीचे में उसकी हेल्थ खत्म होने के बाद वो पीक चली जाएगी, मर जाएगी, मतलब हट जाएगी, फिर हॉक खुद चल के जाएगा डिफेंसेस के ऊपर, जंप करके जाएगा और डिफेंसेस को तोड़ेगा, फिर उसकी हेल्थ खत्म होगी, ये सेकंड है। थर्ड ये है कि जो हॉग राइडर है ना वो खुद अपने आप में जो हॉग है ना उसको लाइक समोन करेगा, जैसे विचेस स्केलेटन्स को समोन करती है ना, जो हमारा हॉग राइडर वो पीक्स को समोन करेगी, वो हॉक को समोन नहीं करने वाला। ओके जो हॉक राइडर है ना उससे नहीं, बस जो पीक है नीचे में उसको समोन करेगी, अब वो डिफेंसेस को अटैक करने वाली है, तो काफ़ी कूल होने वाली है। सेकंड चीज़ है भाई तीन मैजिक आइटम्स के बारे में, ये तीन मैजिक आइटम 100% कन्फर्म्ड है जो गेम फाइल में आई है, जो मैं आपको इमेज नहीं दिखा सकता इसका, जो पहला इमेज दिखा वो कंसेप्ट था वो ओके, बट जो ये वाली है वो कन्फर्म है, इसकी इमेज दिखा नहीं सकता, बस बता रहा हूँ उसमें तीन न्यू मैजिक आइटम्स आई थी। जो एक जो मैजिक आइटम्स थी ना, जो नॉर्मल मैजिक आइटम जैसे ये वाली देख लो, जहाँ पर हमारा ये स्वॉर्ड एंड स्पेल्स रखा गया, तो यहाँ पे एक टैग लग जाएगा उसका, फास्ट फॉरवर्ड बटन, जैसे फास्ट फॉरवर्ड बटन होता है ना डबल असेंडिंग ऑर्डर का बटन, उस टाइप की एक बटन आएगी फास्ट फॉरवर्ड की, जिसका मतलब इस्तेमाल क्या होगा, तो भाई इसका इस्तेमाल ये हो सकता है, मतलब निकल के आया कि ये मे बी जो ट्रेनिंग पोर्शन है ना उसका लाइक अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन मतलब उसकी डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है गेम को देखते हुए। और अगर ऐसा भी ना भी हुआ ना तो यार इसका मतलब यही होता है कि ये गेम को फास्ट फॉरवर्ड करे, मतलब जो हमारे जैसे ट्रेनिंग पोजीशन क्या करता है भाई, फटाफट ट्रूप्स को रेडी करता है, तो सेम वे में ये भी ट्रूप्स को रेडी कर सकता है, बट ये बेसिकली जो ट्रेनिंग पोजीशन है उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब उसी को बस ये डिज़ाइन चेंज किया गया और कुछ नहीं मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि गेम फाइल में आई है 100% आने वाली है कुछ दिन में। और सेकेंड भाई स्टार, जो आप लोगो लगा था ना वहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब क्या है मैं ओके काफ़ी सोच समझ के बताया जा रहा है क्योंकि इमेजेस राइट है, मैं इमेज शो नहीं कर सकता। तो स्टार दिखाया गया है, स्टार का मतलब ये है कि जो आपके पार्टिकुलर टाउन हॉल है ना उस टाउन हॉल पे आपके जितने हीरोज जो है या फिर जो ट्रूप्स है उसको मैक्स आउट कर रहे हैं, टोटल मैक्स,
पावर पोशन में एक्सेप्ट करती है तो हमारे ट्रूप्स को, ओके मानता हूँ मैं, बट हीरोज को प्लस फाइव करती है जो हमारा हीरो पोशन है। तो भाई प्लस फाइव करने से कुछ डिजायर लेवल तक जा सकती हो, बट जो टर्नल की मैक्सिमम लेवल अलाउड होती है जैसे टर्नल 11 पे 12 पे, भाई प्लस फाइव करके नहीं होता है, उसमें तो सब 10 लेवल हमें जाना पड़ता है। तो भाई उस टाइम ये जो मैजिक आइटम्स ये स्टोर शो कर सकती है जो स्टार वाली है। थर्ड है भाई, जहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश बटन देखा होगा ना, उस टाइप का लोगो लगा हुआ है वहाँ पर, जिसका मतलब ये इंडिकेट करता है जैसे हम कोई भी डिफेंस उसको अपग्रेड में लगा दिया, तो भाई अपग्रेड में लगाने के बाद मैं चाहता हूँ इसे कैंसिल करना, अगर मैं कैंसिल करूँ ना तो मुझे कोई भी रिसोर्सेज रिफंड नहीं मिलेगा, बट दिस बटन ना हमें रिफंड मिल जाएगा, मतलब ये अगर कैंसिल करें तो कैंसिल भी हो जाएगा प्लस रिफंड भी मिल जाएगा। तो भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी कूल लगी जो रिफंड वाली बात है। सेकेंड आती भाई चीज़ मशीन के बारे में, एक न्यू चीज़ मशीन निकल के आई है, वो है बैस्टियन, बैस्टियन नाम है इसका, जिसका इमेज डायरेक्टली देख लो, जो नॉर्मल जो हमारा फ्लिम फिंगर है ना जैसे डिफेंसेस को अटैक करता है, तो ये भी सेम करने वाला है, ये चल के जाने वाला है, और इसके जो दो मोटर्स है ना कैनन है ना, वो जितने भी डिफेंसेस है सभी को प्लस वॉल्स को भी तोड़ेंगे, मतलब जैसे डिफेंसेस टूटेगी ना उसके बगल के जो वॉल्स है वो भी क्रैम्पल होकर टूट जाएगी। और इसकी मतलब यहाँ पर टोटल देख लो डैमेज पॉइंट लाइक मल्टीप्ले टारगेट्स डिफेंसेस है, यहाँ पर इसकी जो स्लोगन होती है ना वो पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली बोला क्या गया है। ओके तो ये वाली चीज़ में से मुझे काफ़ी कूल लगी, क्योंकि ये अटैक्स के जैसे फ्लिम फिंगर नॉर्मली अटैक करती है ना लाइक थ्रो करती है चलती है, बट ये डिफरेंट है, ये डबल कैनन से शूट करती है जो इवन ज़्यादा पावरफुल है फ्लिम फिंगर से। अगर ये वाली चीज़ मशीन आ गई भाई तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये चीज़ मशीन मुझे अभी तक का कूल चीज़ मशीन लगा। आपको लगे इस चीज़ मशीन के बारे में क्या करना नीचे कमेंट पे जरूर मिलना, और मैं ना तुम लोगों को लाइक कल या परसों एक नया वीडियो दूंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, उस वीडियो को देख के तुम लोग काफ़ी मजे आएगी। सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन पीस आउट।